सो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस इक्वेजन के DVR का पासवर्ड ब्रेक करने वाले हैं। कंप्लीट प्रोसीजर आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। इक्वेजन का पासवर्ड रिसेट करने का जो मेथड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप इक्वेजन के पुराने मॉडल्स यूज कर रहे हो, जो चार पाँच साल पुराने मॉडल्स हैं, तो उसके पासवर्ड कॉमनली जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मोबाइल ऐप अवेलेबल है, उसमें आपके ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नए मॉडल के इक्वेजन DVR है जिसका वर्जन फॉर्मवेयर वर्जन 3.0 से आगे है, तो वो वाले DVR का पासवर्ड ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको इक्वेजन के कस्टमर केयर सपोर्ट से हेल्प लेनी पड़ती है, आपको एक की एक्सपोर्ट करना पड़ती है, वो सारा मेथड है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम इस DVR को चेक कर लेते हैं। इस DVR का पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा है, इसका पासवर्ड एडमिन था लेकिन ये अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, ये किसी कस्टमर का DVR है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन आता है कि पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड पासवर्ड पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप की एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। तो ये जो की होती है, ये की आपको कस्टमर केयर प्रोवाइड करता है, जो इक्वेजन का कस्टमर केयर है। तो वो की आप पेन ड्राइव के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं इस DVR में, या डायरेक्टली आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप की मदद से भी आपके इक्वेजन के DVR के पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। उसकी वो की चाहिए आपको एक्चुअली, जो की से अनलॉक होता है पासवर्ड, या आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो उस की की मदद से। वो की कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, सारी स्टेप्स आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड, अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल की इन्फॉर्मेशन आपके काम आती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन कर सकते हो। डोनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके डोनेशन की मदद से टेक्नोसर्च चैनल को आपके लिए नया कंटेंट और नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करने में मदद मिलेंगी। तो फ्रेंड, पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपको चाहिए एक लैपटॉप या डेस्कटॉप, और चाहिए आपको एक केबल जिसको आप कनेक्ट करोगे DVR से लैपटॉप या डेस्कटॉप को। लेकिन ये कनेक्शन करने से पहले आपको इंटरनेट पर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आपको। अगर आप गूगल पर जाओगे और अगर आप वहाँ पर टाइप करोगे इक्वेजन पासवर्ड रिसेट टूल, तो आपको सबसे टॉप पर वो टूल मिल जाएगा जो कि इक्वेजन की वेबसाइट पर है ऑलरेडी। यहाँ पर आपको जो पेज आता है इक्वेजन का, इस पर आप क्लिक कर सकते हो डेस्कटॉप टूल्स में। यहाँ पर आपको SATP टूल मिलता है, जो कि आपको विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। ये आप देख रहे हो SATP वर्जन 1.0 फॉर macOS, ये एप्पल के लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए है। और अगर आपको विंडोज़ के लिए चाहिए तो विंडोज़ के लिए आपको नीचे वाला वर्जन डाउनलोड करना है, SATP फॉर विंडोज़। तो मैं इस वर्जन को डाउनलोड करता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले से किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ। ये टूल आपके पास जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, इस टूल को आपको एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है आपके PC या लैपटॉप के ऊपर। और जब ये टूल आपके पास इंस्टॉल हो जाता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको इसका आइकॉन दिखा रहा हूँ, ये जो SATP टूल है ये इस तरीके से आपको दिखेगा। जब आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हो तो इस तरीके का कुछ विंडो आपके सामने ओपन होगा। अब जब ये टूल आपके पास डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, तब आपको इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देना है आपके लैपटॉप को, मतलब आपके लैपटॉप का वाईफाई नेटवर्क आपको डिसेबल कर देना है। अगर आपका वाईफाई पर इंटरनेट चल रहा है तो आपको डिसेबल कर देना है। और जो लैन का कनेक्शन है, इसका IP एड्रेस आपको ऑटोमेटिक पर रखना है, इसमें कोई मैनुअल IP आपको नहीं सेट करना है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्टेन ऑटोमेटिक IP एड्रेस, ऑप्टेन ऑटोमेटिक DNS, तो इसी सेटिंग पर आपको आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की सेटिंग रखना है। इसके बाद आपको आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट कर देना है इक्वेजन DVR से। तो यहाँ पर मैं इक्वेजन DVR पर लैन केबल कनेक्ट कर रहा हूँ, और वही सेम लैन केबल मैं यहाँ पर लैपटॉप पर कनेक्ट कर रहा हूँ। अब जब आप लैपटॉप पर ये केबल कनेक्ट कर दोगे तो आपको इसी सॉफ्टवेयर में, आप जब लैपटॉप को DVR से कनेक्ट कर देते हो तो आप इस सॉफ्टवेयर को आपको एक बार क्लोज करके वापस से ओपन करना है। और जब आप इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करके ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर एक आपका जो DVR है, वो DVR यहाँ पर आपको लिस्ट में दिखाई देता है। टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन डिवाइसेस यहाँ पर 1 दिखा रहा है, और ये डिवाइस आपका यहाँ पर डिवाइस का मॉडल नंबर दिखा रहा है, सीरियल नंबर और IP एड्रेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर रही है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस डिवाइस को सेलेक्ट करना है, जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे ही आपको डिवाइस को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर एक फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है इस सॉफ्टवेयर में नीचे, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन होता है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीक्रेट की का ऑप्शन है।
तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको किसी फोल्डर में वो फाइल को सेव करना है जो फाइल DVR से डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ डेस्कटॉप पर मैंने एक फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है हिक। तो मैं ये हिक नाम के फोल्डर में इस फाइल को सेव कर रहा हूँ और ये फाइल देखिए एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जो फाइल आपने एक्सपोर्ट की है उस फाइल को आपको मेल कर देना है हिकविजन के कस्टमर केयर को, जो कि हिकविजन का कस्टमर केयर का जो कस्टमर सपोर्ट का या टेक्निकल सपोर्ट का जो ईमेल आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो मेल किया है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर केयर को मेल किया है जिसमें लिखा है कि डियर सर प्लीज़ फाइंड अटैच एक्सपोर्टेड फाइल फ्रॉम DVR एंड प्रोवाइड द सुपर एडमिन पासवर्ड टू रिसेट द DVR। तो एक्चुअली ये एडमिन पासवर्ड तो प्रोवाइड नहीं करते, ये की प्रोवाइड करते हैं जिस की मदद से आप आपके पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो। तो वहाँ से मुझे जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो रिस्पॉन्स में उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है डियर कस्टमर प्लीज़ फाइंड द अटैच पासवर्ड की, और एक अटैचमेंट दिया हुआ है जिसमें पासवर्ड की प्रोवाइड की हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो e150.xml इस तरह की कुछ फाइल है। तो ये फाइल मुझे डाउनलोड करना है और इस फाइल को डाउनलोड करके आपको अपलोड करना है वापस उसी SATP टूल के सॉफ्टवेयर में। तो मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप पर नेट का कनेक्शन नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर वाईफाई इनेबल कर रहा हूँ। और जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएंगी उसके बाद मुझे वापस से वाईफाई को डिसेबल कर देना है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो DVR और लैपटॉप के बीच में। अब इस फाइल को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी दिन आप ये काम करें जिस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे ना हो या वीकली ऑफ ना हो या गवर्नमेंट हॉलीडे ना हो, क्योंकि आप जिस दिन ये फाइल सेंड करते हो उसी टाइम आपको उसका रिस्पांस मिलना चाहिए, उस मेल का रिप्लाई आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट डे अगर आपको रिप्लाई मिलता है तो हो सकता है वो की आपके लिए काम ना करे, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वैलिड होती है। और अगर आपने DVR को शटडाउन कर दिया या आपने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया और उसका इंक्रिप्शन की चेंज हो गया तो हो सकता है कि जो की आपको कस्टमर केयर से प्रोवाइड की जाए वो आपके लिए काम ना करे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप ईमेल करोगे तो आपको एक घंटे या दो घंटे तक वेट करना है और उसी एक दो घंटे में आपको इस काम को कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पर एक बार वापस से सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, उसे रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर आपको वापस से इस DVR को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही ऑप्शन आता है इनपुट की का, यहाँ पर आपको इम्पोर्ट फाइल के ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। इम्पोर्ट फाइल के ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ पर आपने फाइल डाउनलोड की है उस फोल्डर में से उस फाइल को आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि हिक वाली जो फाइल है 150 वाली, वो फाइल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये फाइल हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है, जो भी आप रखना चाहते हो वो आपको टाइप करना है। जैसे और यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ user@123, जिसका यू कैपिटल है user@123। कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। और अब हम इसे यहाँ पर उस पासवर्ड से लॉगिन करके देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमने जो पासवर्ड मॉडिफाई किया है उससे लॉगिन करके। यहाँ मेनू पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। मेनू पर क्लिक करने के बाद कैपिटल user@123 ओके पर क्लिक करना है। देखिए हमारा DVR यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, जो मतलब पासवर्ड हमने रिसेट किया था, जो रिकॉन्फ़िगर किया था, वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप हिकविजन के DVR के नए मॉडल्स के पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि वर्किंग डेज में आप ये काम करें, वर्किंग आवर्स में करें, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में आप ये काम करें और कोई छुट्टी वगैरह ना हो। और अगर आपने एक बार XML फाइल एक्सपोर्ट करके भेज दिया है आगे कस्टमर केयर को, तो आप जब तक आपको मेल का रिप्लाई रिसीव नहीं होता तब तक आप आपके DVR को और लैपटॉप को डिस्कनेक्ट ना करें, अदरवाइज़ ये शटडाउन ना करें आपके DVR को। अदरवाइज़ जो इंक्रिप्शन की है वो चेंज हो जाएंगी तो आपको जो पासवर्ड रिसेट का वहाँ से की मिला है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जब भी DVR रिस्टार्ट होता है तो ये इंक्रिप्शन मोड को चेंज कर देता है, मतलब इंक्रिप्शन की उसका चेंज हो जाता है जो यूज़र को लॉगिन करने वाला इंक्रिप्शन होता है। सो होप सो फ्रेंड इस वीडियो की मदद से आप लोग ये काम कर पाओगे। सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम आई है तो अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप टेक्नोसर्च चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ अमाउंट आप चैनल को डोनेट कर सकते हो ताकि टेक्नोसर्च
अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर सके और आपके लिए नया कंटेंट आगे भी बनाता रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।